जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है साहब। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है साहब, कुछ नजरअंदाज करके और कुछ बर्दाश्त करके। तो जो हमने शेर सुने इसी के हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है ग्रो थ्रू पेन। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग एक्सरसाइज लाइक अ जिम वर्कआउट और जॉगिंग एंड हैव रियलाइज्ड दैट फिजिकल एक्टिविटी इज पेनफुल। अगर आप जिम गए होंगे और ट्रेनर ने आपको हैवी वेट से जिम कराया होगा, एक्सरसाइज कराई होगी, वेट लिफ्टिंग कराई होगी, तो उसके बाद शरीर में एक पेन होता है। तुरंत नहीं होता, रात को सोने के बाद सुबह उठकर पेन होता है और वो पेन दो तीन दिन तक चलता है। उस पेन के डर से बहुत सारे लोग जिम छोड़ देते हैं, लेकिन जिनको मालूम होता है वो लगे रहते हैं और अपनी बॉडी को मस्कुलर बॉडी बना देते हैं। बट दे हैव टू गो थ्रू पेन, उनको पेन से गुजरना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है। एक बार एक गायक बोलता है अपने साथी से, दोस्त से, मेरे गाने में वो दर्द नहीं है जिससे मैं लोगों का दिल जीत सकूं। तो साथी कहता है उसका, तेरा दिल अभी टूटा नहीं है ना, तो तेरे पास वो दर्द नहीं है। जिस दिन तेरा दिल टूटेगा तब तेरे पास वो दर्द आएगा और तब तू गा पाएगा और तब सारी दुनिया ताली बजाएगी। तुम्हें मेरी काश्ती, तुम्हें हो हमारा, छूट जाए। स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे नंबर लाने के लिए हार्ड वर्क करते थे, मेहनत से पढ़ते थे, तो क्या आपने समझा था उस समय कि स्टडींग हार्ड इज पेनफुल? आपको रात को जागना पड़ता था, आपको दिन में नींद आ रही है दोपहर में, लेकिन आप सो नहीं सकते क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 3 बजे से 5 बजे तक का भी था, और अगर आप दोपहर में सोने की आदत डाल लेते तो आप जग कर एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो स्टडींग हार्ड इज गोइंग थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस। Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. Ye to naach rahe. Silence. Speak in English. The letters are dancing. They are dancing, are they? Okay. Then read the dancing letters. Have any of you wanting a promotion at work, put in a lot of energy and realized that the laborious effort is painful? जो चाहते हैं अपनी नौकरी में तरक्की करना, किसी हायर पोस्ट पर जाना, वो पाते हैं कि उनको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है काम करने में, दिन रात जागना पड़ता है, कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, वर्कर्स से काम लेना पड़ता है, और सब कुछ करने के बाद अगर उन्हें तरक्की नहीं मिलती तो उनको कैसा लगता है? द प्रोसेस इज पेनफुल। आपने किसी से दोस्ती की और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको अपने ईगो को साइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ईगो रखकर चलेंगे तो आप दोस्ती में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, और कभी ब्रेक हो जाता है, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली पेनफुल। सो टू हैव अ गुड रिलेशनशिप वी हैव टू फॉरगो आर ईगो। पेन इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ दैट ट्राई एज हार्ड एज वी मे वी जस्ट कैन नॉट एस्केप। ये संसार, भगवान ने कहा गीता में, दुखालयम है, दुखों का घर है, और हर प्रोसेस जिसके द्वारा हम गुजरते हैं कुछ अचीव करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, हमको पेनफुल प्रोसेस से पास होना पड़ता है।
एक एक्टर ने अपने जीवन की घटना सुनाई कि मुझे एक कॉमेडी का सीन करना था, उधर मेरे पिता का शरीर शांत हो चुका था, लेकिन टाइम ऐसा था कि मुझे वहाँ जाना था, पहले परफॉर्म करना था, उसके बाद आकर पिता की जिनका शव यात्रा पर चला गया था और मुझे बीच में कहीं जाकर ज्वाइन करना था। तो उस पेनफुल प्रोसेस से गुजर करके मुझे एक हंसने का सीन देना था और वो मैंने दिया और बाद में उस सीन पर मुझे अवार्ड मिला। क्योंकि उस हंसी में जो दर्द छिपा हुआ था वो जजेस ने देखा। तो एक प्रोसेस होता है पेन का, जो पहले हर्ट करता है फिर हील करता है, यानी पहले तकलीफ होती है लेकिन बाद में कामयाबी हासिल होती है। गीता में भगवान ने एक और बात कही है कि शुरू में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अमृत तुल्य लगते हैं पर बाद में दुखदायी होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शुरू में दुखदायी लगते हैं, बाद में अमृत तुल्य होते हैं। कुछ भी हो, हमको पेन से तो गुजरना ही गुजरना है, चाहे पहले चाहे बाद में। बढ़िया वो है जो शुरू में हम पेन के द्वारा गुजर लें, उस प्रोसेस से पास हो लें, उसके बाद कामयाबी हासिल करें। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके शरीर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन उसको करने में दम लगता है। दे हैव टू गो थ्रू पेन। एक बात और ज्ञान में आती है, घावों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। अगर दुख नहीं आते तो भगवान को कौन याद करता। संसार में भी देखते हैं कि जो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और आगे कुछ बन जाते हैं, तो उनको एक पेन से गुजरना पड़ा, और अगर वो उस पेन से नहीं गुजरते तो कुछ बन नहीं पाते। तो क्या चूज़ करते हैं हम, आराम की ज़िंदगी या काबिलियत, उत्साह और सक्सेस से भरी ज़िंदगी। फिर मेहनत से काम करके हम अपने जॉब में या जहाँ भी हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें राइज करते जाते हैं, तो हम क्या चूज़ करते हैं, मेहनत भरी ज़िंदगी या आराम भरी ज़िंदगी। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। तो फिर वो वहीं रह जाता है जहाँ वो 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, उसके जीवन में कोई तरक्की नहीं होती। फिर पेन भी दो तरह का होता है, मेहनत करते हैं ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, कुछ लोग मेहनत करते हैं ज़िंदगी में बिगड़ने के लिए। पेन दोनों तरफ है, हम क्या चूज़ करते हैं, कुछ बन जाना या बिखर जाना, यह हमारे हाथ में है। गुरु भगवान के शुक्राना।